अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पे हम कर रहे हैं CS001 की मिड टर्म की प्रिपरेशन, और यहाँ पे हम अपनी लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं मोस्ट इजी और शॉर्ट वे के साथ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 10 को, 11 को और 12 को। तीन लेक्चर्स को हम पढ़ेंगे और हम रीड कर रहे हैं CS001 को, ठीक है? हम तीन तीन लेक्चर्स की वीडियोज़ बना रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को भी साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं? प्रेस द पावर बटन ऑन सिस्टम यूनिट टू स्टार्ट द कंप्यूटर। सबसे पहले हमारे सीपीयू के ऊपर एक बटन सा गोल सा लगा होता है, या कीयों के ऊपर चौरस लगा होता है, उसको हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर वो स्टार्ट हो जाता है। द एरिया यू विल सी ऑन द मोनिटर स्क्रीन आफ्टर कंप्यूटर स्टार्ट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ जो आपके सामने आप कंप्यूटर को इंस्टॉल कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आपके सामने नज़र आ रही होती है, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास विंडो इज़ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, और इसको हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कहते हैं। आइकन, आइकन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल्स फोल्डर्स, ठीक है। आइकन हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ये हमारे पास आइकन्स हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये सारे हमारे पास आइकन्स हैं, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टास्क बार, टास्क बार इज़ द बार एट द बॉटम एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। ये वाली चीज़ हमारी टास्क बार होती है, यहाँ से लेके ये वाली चीज़, ठीक है, ये बॉटम एरिया में होती है। इसमें हमारे आइकन्स होते हैं और जो हम काम करंटली कर रहे होते हैं वो यहाँ पे अपेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद है शट डाउन। हम कंप्यूटर को कैसे करते हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम पावर के ऊपर, पावर के ऊपर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, स्लीप का, शट डाउन का, रिस्टार्ट का। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो शट डाउन हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिस्टार्ट हो जाएगा। ये देखें रिस्टार्ट, वही चीज़ वही प्रोसेस बताया है। इसके बाद है विंडोज़ एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले हमारा माई कंप्यूटर होता है, आइकन जिसको आप ओपन करते हो तो हमारी विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पे इसके नेम्स होते हैं, मेन्यू बार होती है, स्टैंडर्ड बार होती है, ये चीज़ ये देखें, ये चीज़ हमारे पास होती है। ये हमारा कंप्यूटर होता है, ये आइकन होता है जिसको हम ओपन करते हो तो हमारी लिस्ट जो है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड बार होती है, स्टेटस बार होती है, बहुत सी बार्स होते हैं, ये देखें ये सारी बार्स ही हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे लेक्चर नंबर 11। यहाँ पे बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ETC इज़ यूज इन सिस्टम, इस कॉल्ड बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। हमारे सिस्टम के अंदर जो भी हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, इसको हम बेसिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जिस तरीके से अगर हम माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे अपने सिस्टम का नाम, उसका वर्जन, उसकी रजिस्ट्रेशन, डाटा प्रोसेसिंग स्पीड देखेंगे, रैम का साइज देखेंगे, अपनी मेमोरी वगैरह देखेंगे। तो देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप आएंगे इस तरीके से, कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, तो यहाँ पर हमें सारी की सारी डिटेल मिल रही है हमारे कंप्यूटर की। देखें डिवाइस का नाम, रैम यहाँ पे हमें मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेसर हमारा मिल रहा है, डिवाइस की आईडी मिल रही है, सिस्टम की टैप मिल रही है, पेन एंड टच मिल रहा है। यहाँ पर से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चेंजिंग डेट एंड टाइम। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी डेट और टाइम वगैरह को चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर से हमें डिस्प्ले में जाएंगे तो आगे जाके यहाँ पे हमें वॉलपेपर्स मिल जाते हैं जिसको हम जो है वो चेंज कर सकते हैं इजीली। ये देखें यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के हमारे वॉलपेपर्स आ रहे हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है स्क्रीन सेवर को चेंज करना, वही चीज़ है, वॉलपेपर ही होता है। ये भी हेल्प फीचर्स हमारे पास होते हैं, अगर हम कंप्यूटर पर जाके F1 को प्रेस करेंगे ना तो हमारे पास हेल्प आ जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। डिस्क को फॉर्मेट किस तरीके से करना है, किसी भी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल डी को फॉर्मेट करना है, यहाँ पे आएंगे, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे, तो ये हमारी सारी की सारी डिस्क में से डाटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ जाते हैं लेक्चर नंबर 12। आपके बहुत ज़्यादा इजी लेक्चर्स हैं, हम इतनी जल्दी इनको पढ़ रहे हैं कि इसकी समझ नहीं आती कि हम इतनी जल्दी इसको रीड ख़त्म करे जा रहे हैं, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा इजी हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं इनके अंदर, कुछ भी इन्हें डिफिकल्ट है नहीं। तो आप सिर्फ इनको पढ़ें, इनको तो समझिए, वो अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो फिर तो इस बुक को ना भी पढ़े तो आपका काम चल जाएगा। वर्किंग विद आइकन्स की बात करें, यू कैन सी डिफरेंट आइकन्स ऑन डेस्कटॉप। आप
डेस्कटॉप के ऊपर मुख्तलिफ आइकन्स देखते हैं। हर आइकन किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मतलब है कि हर सॉफ्टवेयर जो है आपका स्टार्टिंग वर्किंग के साथ इंटरकनेक्ट है, अगर आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है। देखें, ये सॉफ्टवेयर अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंट्रोल पैनल है, ये रिसाइकल बिन है, ये देखिए क्रोम है, ये VLC है। अब इसमें से किसी को भी हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और अपना काम स्टार्ट कर देगा। उसके बाद मूविंग एन आइकन, टू मूव एन आइकन वी हैव टू सेलेक्ट इट फर्स्ट, उसके बाद इसको पिक करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। ठीक है, किसी भी आइकन को मूव करना है। ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पे हमने मूव कर दिया, इस तरीके से हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मूविंग आइकन, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। ऑटो रेंजिंग कर सकते हैं हम, ऑटो रेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, व्यू में जाएंगे, शॉर्ट पे जाएंगे, आप इसको नाइम के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं, डाटा आइटम के हिसाब से, डाटा मॉडिफाई के हिसाब से, यानी कि इसमें चेंजिंग आ जाएगी। फिर जिसका साइज़ बड़ा होगा साइज़ वाले में, वो साइज़ ऊपर आ जाएगा, जिसका नेम सही होगा वो इसमें आ जाएगा ऊपर, आइटम डाटा में जिस भी ज़्यादा आइटम्स है वो ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से इनकी अरेंजिंग हो जाती है। इस तरीके से हम अपने आइकन्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, आइकन को भी करने के तीन चार होते हैं। नेम को कर सकते हैं, साइज़ को, टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं, वही चीज़ मैंने जो आपको वहाँ पे बताई है। इंपॉर्टेंट डेस्कटॉप आइकन्स की बात करें तो हमारे पास माई कंप्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेस टू कंप्यूटर ड्राइवर्स बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये वाला हमारे पास जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम इसको ओपन करते हैं तो सारे के सारे कंप्यूटर की डिटेल हमारे सामने आ जाती है। रिसाइकिल बिन हमारे पास होता है। ठीक है, ये हमारा रिसाइकिल बिन होता है जिसमें मुख्तलिफ तरह की जो पिक्चर्स हैं होती हैं, जो भी चीज़ डिलीट हो जाती है इसके अंदर आ जाती है हमारे पास, ये हमारा रिसाइकिल बिन होता है। ठीक है, तो रिसाइजिंग एंड मूविंग का विंडो, छोटा बड़ा साइज हम कर सकते हैं इसके अंदर। अंडरस्टैंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल एंड फोल्डर्स की बात यहाँ पे हो रही है। विंडो को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नया नए फोल्डर्स बना सकते हैं, यहाँ पे आएंगे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर जाके हम उसके भी सब फोल्डर्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइल एंड फोल्डर टी की बात हो रही है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ फोल्डर्स, ये फोल्डर्स की लिस्ट होती है सब फोल्डर्स की फाइल्स के अंदर। ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर फोल्डर जाके बनाएंगे तो आपकी फोल्डर्स की एक लिस्ट बन जाएगी। तो गाइस कैसे लगी आपको वीडियो, चैनल को मस्टली सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें अगर आपको इसकी फुल प्रिपरेशन करनी है तो। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।